यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, ये और है, यहाँ पर भी और बैठी हुई है। कहाँ गई यार वो? यार हमारी बच्चे देने वाली रैबिट मुझे नजर नहीं आ रही, इधर कोई और बैठी हुई है। इसको ढूंढ रहा था मैं यार, ये बच्चे देने वाली थी रैबिट। मैं खुश था कि तकरीबन ये एक हफ्ता डेढ़ हफ्ते में अंडे सॉरी बच्चे दे देगी, लेकिन अभी तक इसने ना नेस्ट बनाया अपना ना ही बच्चे दिए, तो मुझे परेशानी हो रही है। पता नहीं यार ये बच्चे देने वाली थी या नहीं थी, उस भाई ने जिसने हमें दी थी ना उसने पता नहीं ठीक इन्फॉर्म किया हमें या नहीं किया। सिप्तान अब तुम बताओ यार क्या सीन है इसका? जब दे देगी फिर बताऊंगा। यार इसकी शक्ल से लगता है ये बच्चे देने वाली है, क्योंकि काफी हैवी है, मोटी मोटी है, बाकी तो काफी छोटे छोटे हैं। जाओ यहाँ पर छुप जाती है यार ये अक्सर, तो अभी इसको हम अपने हाल पर छोड़ देते हैं। जल्दी से यार दे दो बच्चे, बहुत इंतजार है। तो यार अब हम आते हैं बाहर। इनका दरवाजों का ये सीन है कि मुझे आज तक पता नहीं चला ये अंदर की तरफ खुलते हैं या बाहर की तरफ, मैं दोनों तरफ खोलने की कोशिश करता हूँ। तो अभी यार मौसम गर्म हो रहा है फिर से, क्योंकि आज सारा दिन बारिश रही, लेकिन जो ही सूर्य निकला थोड़ा थोड़ा फिर हबस हो गया, मुझे पसीना भी आ रहा है। तो हमारी मछलियों का पानी क्या हुआ? मरा हुआ कोई? नहीं मरा नहीं, लेटे हुए बीमार थे। यार ये क्या हो गया सिप्तान? यार ये सिर्फ अचानक, मुझे तो लगता है सारे मरेंगे। यार मैंने चूजों के लिए कल ही दवाई ली थी, मैंने सबको अभी तक मैं इनको दवाई दे रहा हूँ, अचानक यार इसकी डेथ हो गई। यार यार जो बाजार से हम चूजे लाते हैं ना उनके साथ यही सीन होता है। अब मुझे बहुत सारे भाई कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि भाई आप चूजे ना रखें, आप कोई परिंदा ना रखें, आपसे केयर नहीं होती। यार मैंने इनके लिए कितना अच्छा माहौल बनाया हुआ है, इनकी सेफ्टी के लिए ये घर है, बाहर इनका ग्राउंड बनवाया हुआ है, रोज छत की सफाई होती है, लेकिन उसके बावजूद आप कहते हैं कि केयर नहीं करते। मैंने जो ही देखा इनको कि ये सुस्त हैं, कल मैं फिर लेके आया फौरन दवाई, और मैं इनको दे भी रहा हूँ दवाई सुबह शाम, जैसे डॉक्टर ने बोला था ना उसी तरह से मैंने किया। अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं यार बाकी जो चूजों में वायरस है उनमें यार अब क्या होता है, बच पाते या नहीं बच पाते, क्योंकि ये जो वायरस है ना मुर्गियों में जूं ही आता है ना सारे मुर्गियों को लगता है और एक एक करके सारी मरती जाती हैं। यार देखें इतना सफाई की थी ना हमने उस दिन, तो अब याद है? बस दो दिन के बाद फिर से वही सब्ज पानी हो गया। यार पानी साफ है, ये देखो पानी इतना मैला नहीं है, मतलब साफ है, और ये नीचे ग्रीन ग्रीन हो गया। बस यही समझ आती है क्यों होता है ऐसा, इसका कोई हल होगा। तो हमारी मछलियाँ बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, इनमें बीमारी नहीं आती, नहीं तो मुर्गियों में इतना बीमारी आती है ना परेशान कर देती हैं। ना ही टर्की बर्ड में बीमारी आती है, ना ही गुनाफॉल में बीमारी आती है, ना ही तोतों में ना बजी में। मुर्गियाँ जो ही मौसम चेंज होता है उनमें फौरन नज़ला बुखार खांसी सांस का मसला शुरू हो जाता है और वो बीमार हो जाती है। जैसे कि अब सही है, लेकिन एक और चीज़ भी बीमार है भाई। क्या चीज़? हमारी स्नो, वो तो बताओ बीमार है यार। उसको मैंने पैनाडोल दी थी सुबह भाई। नहीं ऐसा नहीं, वो फिर वैसे ही है जैसे थी। है क्या? हाँ, उसको कान में ना इन्फेक्शन है, मैंने चेक किया है, देखो ये देखो क्या हुआ है? नो, कान में यार इसके दाने हैं। इन्फेक्शन हो गया इसको। क्यों? चेक कराएं यार इसको किसी डॉक्टर को। चलो यार लेके चलते हैं फिर इसको। देखा है तुमने वेट यहाँ पे है कोई? हाँ, मुझे पता है डॉक्टर का है। हाँ, चलो आ जाओ। हो चलो 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 आ जाओ भाई, क्योंकि स्नो की तबीयत खराब है तो हमें जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। चले। मैंने वैसे यार इसको दवाई दी थी सुबह, लेकिन इसके कान में दाने देखे ना मैंने, फिर मुझे घबराहट हो रही है दर्द की वजह से। तो यार अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले ही काम करते, बाद में आके जो करना होगा करेंगे। बाकी सारी चीजें बंद है, कबूतर हमने खोलनी है, तो चलते हैं और इसका जो है ना वेट को दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। आज जिस चीज का डर था वही हुआ, रास्ते में बारिश आ गई है और स्नो बेचारी बहुत डर रही है, लेकिन हम पहुंच चुके हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही रुक गए, चलो यार सामने सामने सामने, चलो चलो भाई चलो। क्या नाम? स्नो है। ज्यादा बड़ी बीमारी तो नहीं है, हमें इस चीज का डर है, तो ये अभी डॉक्टर बताएंगे कि क्या सीन है। और देखिये बारिश चेक करें, बहुत तेज बारिश हो गई थी जब पहुंचने ही लगे थे ना, उससे एक मिनट पहले तेज बारिश हो गई थी, लेकिन हम शुक्र है वक्त पे पहुंच गए हैं। यार इतना ज्यादा मसला नहीं था, जितना हमें डर था ना उतना नहीं है, हमें तसल्ली हो गई है इस चीज की। चले तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा। तो यार अभी इंजेक्शन लगाने लगे हैं स्नो को, और काफी जो है ना थोड़ा पेनफुल हो सकता है इसके लिए। इंजेक्शन लग गया और इसको पता ही नहीं चला। हाँ अब इसको तकलीफ हो रही थोड़ी सी। बस 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 हो गया स्नो को दो इंजेक्शन दोस्तों लग चुके हैं, बस दो ही लगने थे, बाकी
अब इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और बारिश भी शुक्र है रुक चुकी है, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ देखें बिल्कुल साफ़ हो चुका है मौसम, तो हमें आसानी होगी अब जाने में भी। निकले चल रहे हैं। दे दो यार, हम घर पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा दवाएं हमारे हाथ में, अल्लाह करेगा हमारे स्नो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मुर्गियों के लिए भी हम दवाई लाए हैं, डॉक्टर से बात कर ली तो उन्होंने ये वाली भी दवाई। चलो चलो यार, क्या हुआ बस? ओहो यार, भीग गए बारिश में। क्यों? अच्छा ये बंद था? हाँ यार, मुझे नहीं। यार यार ये भी अब बुरा हो गया एक। चलो जी आज 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 आज। तो दोस्तों मैंने स्नो को बंद कर दिया है और स्नो इतना ज्यादा अपने बाल गिराती है। देखिए मेरी शर्ट सारी की सारी वाइट हो चुकी है स्नो के बालों से। ये देखें, मुझे दे दो। यार डॉक्टर ने बोला था कि 3 दिन आप इलाज करवाएं, उसके बाद इसकी वैक्सीनेशन होगी। अभी ये थोड़ी सी बीमार है, बीमारी में वैक्सीनेशन नहीं होती, नहीं तो फिर इसकी सेहत खराब हो जाएगी। बाहर की हवा लगवाते हैं यार इनको। जो 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 एक तो यार बीमार थे वैसे ही, तो बारिश का पानी लगा होगा इनको, तो और ज्यादा ये बीमार हो गए होंगे। हाय हाय हाय। ओह स्नो को यार दवाई पिला ली है, अब मुर्गियों की बारी। तो यार तुराब सारी मुर्गियों को ना इंजेक्शन दे रहा है, वही जो अभी हम लेके आए थे, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे, आपने दुआ करनी है। अब मैं क्या करता हूँ यार, खरगोशों के लिए ना घास तोड़ के आता हूँ, क्योंकि इन्होंने आज दाना ही खाया है, सुबह से घास नहीं खाया, तो अभी जाता हूँ और मैं घास लेके आता हूँ। तो इधर डाल लेते हैं यार घास, और यहीं निकाल लेते हैं, ये गलत जगह पे है, इसको यहाँ पे होना चाहिए। यार तुराब इसका मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये स्ट्रेस में अभी तक क्यों है। यार इसका मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा, जो भी हम ईगल लेकर आते हैं ना शिकरा, अभी ये तो शिकरा है, ये ईगल की ब्रीड है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा तंग है, क्योंकि यार ये होते हैं जंगली। हमने लिया था ना, जब उस भाई ने बोला था ये जंगली नहीं है, आप इसको टेम कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी जो हालत है ना, इसको इस तरह उठाना चाहता हूँ इस ईगल को। यार इस तरह से हमारा ये टेम नहीं हो सकता, ये तो बजी मेरे ख्याल में पहले से ही टेम हुआ हुआ है किसी का। यार 2-4 दिन हम देखते हैं, ईगल हमारा अगर ये शिकरा अगर हमारा आदि नहीं होता तो हम इसको फिर आजाद कर देंगे। फिलहाल इसे खा भी नहीं, ये यार रखो इसको वापस कर दो। तो ये दोस्तों हम टेबलेट्स वगैरह रख देते हैं। बजी ने अंडा दिया है सिप्तेन? कौन से वाले? वो जो पिंजरे में है, मटकी में देखो अंडा है, मटकी में देखो अंडा है। अच्छा बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, देखो जरा वो नजर आ गया, देखो अंडा है, अभी तक नहीं है। ये सारा बाजरा जाया हो गया। ओहो तो यार मैंने यहाँ पे बाजरा का गिराया, सारे के सारे मुर्गियाँ इधर आ गई हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खा लेंगी, नहीं तो जाया नहीं। हाँ। तो तुम ये फ्रेश वाला बाजरा इसके अंदर डाल दो। हाँ। पहले इसको धो लेते हैं यार। हाँ, फिर स्मेल हो जाएगा। ओके ओके ठीक है भाई। तो यार मैं ज्यादा नहीं डाल रहा क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं कभी भी आ सकती है, जब भी बारिश आती है ना बाजरा सारा गीला हो जाता है और खराब हो जाता है। तो मैं तो मुर्गियां खाती हैं लेकिन वो अच्छा नहीं होता ना, फ्रेश वाला अच्छा होता है जो मैंने अब डाल दिया है। ठीक है ओके। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, बस दुआ कर लीजिएगा कि जो हमारे चीक्स है ना वो ठीक हो जाए। यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इस स्नो के लिए भी दुआ कर लीजिएगा कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बस ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।